ईश्वर का एहसास होता है। इनफैक्ट मैं अभी से क्यों बकवास करने लगा, एक सीरम की बूंद की कीमत तुम क्या जानो। रमेश बाबू वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि व्हाट इज आई सीरम, व्हाई वी यूज आई सीरम एंड हाउ टू यूज आई सीरम। बेसिकली ये तीन मेन टॉपिक्स हम इसमें बात करने वाले हैं। तो अगर आप लोगों को जानना है इस टॉपिक के बारे में बहुत ज्यादा डेप्थ में तो मेरी वीडियो को पूरा देखें, और ये मेरा नया चैनल है इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी हिट कर दीजिएगा ताकि मेरी नई वीडियोज पे नोटिफिकेशन मिल जाए। इस वीडियो को पूरा देखें और लाइक करना ना भूलें प्लीज। वीडियो में जाने से पहले आई जस्ट वॉन्टेड टू गिव यू अ शॉर्ट डिस्क्लेमर। आप लोग सोचते हो कितना डिस्क्लेमर देती रहती है, लेकिन स्टिल इट्स नेसेसरी, क्योंकि मुझे कुछ चीजें ऑकवर्ड लगती है तो मैं सोचती हूँ कि मैं पहले क्लैरिफिकेशन दे दूं कि आप उसमें ज्यादा ना सोचें। तो आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द बैकग्राउंड। आप सोच रहे होंगे कहाँ बेकार सी जगह है, कहाँ बैठ के बना लेती है वीडियो, लेकिन व्यवस्था नहीं कर पा रही क्योंकि मेरे पास बहुत ही लिमिटेड अमाउंट ऑफ सामान है और मेकअप आइटम्स भी मैं बहुत लिमिटेड लाई हूँ। तो अगर आप आगे वीडियोस में देख रहे होंगे तो मैं सेम आइटम्स को ही यूज करके डिफरेंट लुक्स क्रिएट कर रही हूँ, तो उस चीज को माइंड मत करिएगा। मैं एक बार वृंदावन पहुंच जाऊँ तो आपको श्योरली दूसरे और डिफरेंट आइटम्स पे जरूर वीडियोज मिलेंगे। तो दिस इज माई शॉर्ट डिस्क्लेमर। और नाउ विदाउट गेटिंग फर्दर अडू लेट्स डिग इन टू द वीडियो। द आई सीरम आई वॉज टॉकिंग अबाउट इज दिस डर्माकोप। बेसिकली मेरे पास डर्माकोप का है, और भी अलग अलग ब्रांड्स है और बहुत अच्छी अच्छी ब्रांड्स है जिनका आई सीरम आप यूज कर सकते हैं, लेकिन आई एम यूजिंग दिस वन। तो मैं आज इसके बारे में आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन उठता है कि वॉट इज आई सीरम। तो मैं बेसिकली पहला अपना ओपिनियन दे दूं कि मुझे लास्ट ईयर तक पता ही नहीं था कि आई सीरम नाम की भी कोई चीज होती है। मतलब फेस सीरम तब भी सुना था मैंने, लेकिन आई सीरम के लिए मैंने बिल्कुल ही नहीं सुना था कि आई सीरम भी होता है, कि आंखों के लिए भी हम कुछ करते हैं। होता होगा। फिर मैंने देखा, देन आई गेट टू नो कि आई सीरम इज वेरी नेसेसरी हमारे अंडर आईज के लिए, क्योंकि जो फेस के जो हमारी फेस क्रीम होती है वो हमारी स्किन को तो हाइड्रेट कर देती है, लेकिन जो हमारे आईज का एरिया ये है और अपर लिड दोनों ही बहुत सेंसिटिव पार्ट होता है, उनको फुल्ली हाइड्रेशन नहीं मिल पाता, इसलिए हमें डार्क सर्कल्स क्रिएट हो जाते हैं। क्योंकि हम लोग ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं, काम करते हैं, और फिर स्किन फुल्ली हाइड्रेट नहीं हो पाती क्योंकि बहुत ही नाजुक स्किन होती है इधर, इसको स्पेशल केयर की जरूरत होती है। तो इधर डार्क सर्कल्स पड़ जाती हैं, रिंकल्स पड़ जाते हैं, स्पॉट्स आ जाते हैं और फलाना ढिमका जो भी हो जाता। तो तब मुझे रियलाइज हुआ कि आई सीरम इज अ नीड, क्योंकि उसमें जो भी एसेंस होते हैं वो पर्टिकुलरली हमारी आईज की स्किन को मेंशन करके, और जितने भी प्रॉब्लम्स हम अपनी अंडर आई के नीचे या फिर आईलिड्स पे जितना भी पूरा आई एरिया पे फेस करते हैं उसको कंसिडर करके बनाया गया है, ताकि वो हमें उस चीज से, उन प्रॉब्लम से क्योर कर सके या फिर धीरे धीरे करके डिक्रीज करे और हमारी हेल्प आउट करे कि हमारी स्किन वहां हाइड्रेटेड हो पाए ताकि कम डार्क सर्कल्स एंड ऑल हो पाए। तो देन आई हैव थॉट एंड आई हैव गॉट दिस वन डर्माकोका। ये मुझे आई थिंक कितना कर लेती हूँ मैं, इसका डिटेल प्याज लेकिन इसका रिटेल प्राइस 200 है और मुझे सेल में ही आई थिंक 176 के अराउंड मिला था। मैंने इसे पर्पल से खरीदा था, और आप डर्माको की साइट पे जाके भी खरीद सकते हैं, और काफी अच्छी सेल चलती है पर्पल में, तो बहुत ही अफोर्डेबल रेंज में आपको ये आई सीरम मिल जाएगा। पैराबेन फ्री है, सल्फेट फ्री है और क्रुएल्टी फ्री है, मतलब बेसिकली हमारे अंडर आईज के लिए बहुत ही परफेक्ट आइटम है। अंडर आई क्रीम्स भी आती है, सीरम्स भी आती है, आप अपने चॉइस और आपकी स्किन को जो सूट करता है उस हिसाब से आप यूज कर सकते हैं। मैं सीरम इसलिए प्रेफर करती हूँ क्योंकि मेरी ऑयली स्किन है, तो मैंने इसे फिलहाल मुझे 3 महीने हो गए हैं यूज करते हुए एंड आई हैव फाइंड अ वेरी ग्रेट रिजल्ट। एंड देन मुझे रियलाइज हुआ कि आई सीरम इज नेसेसरी, और बेसिकली ये हमारे नाइट रूटीन में होना ही चाहिए। हाँ, अब बोलते होंगे अरे बड़े बड़े लोग तो बड़ा नाइट रूटीन करते हैं, फेस ऐसे धोना वैसे धोना, लेकिन मैं आलसी हूँ, मैं आपको साफ साफ बता दूँ, मेरे से 4 टंटे नहीं होते कि मैं पहले ये लगाऊं मैं फिर वो लगाऊं,
मैं महीने में एक बार दो बार कर लूँ, वो भी बड़ी मुश्किल से कर पाती हूँ, मैं नहीं कर पाती हूँ, मुझसे नहीं होता, आई एम वेरी लेजी पर्सन। तो मैं आई सिरम, लेकिन मैंने स्टिल मैंने इसमें बहुत डेडिकेशन दिखाया है अपने ऊपर। और मैं बस क्या करती हूँ कि रूटीन के जैसे अगर मैं बात कर रही थी तो बस मैं अपना फेस को बहुत ही अच्छे से, एक्ने वाला मेरा एक सोप है उससे धोती हूँ, और उसके बाद मैं टोनर अप्लाई करती हूँ। वो तो मैंने पहले भी अपनी वीडियोस में डिस्कस कर रखा है कि टोनर इज ए वेरी इंपॉर्टेंट नीड। और उसके बाद मैं अपने फेस पे कोई क्रीम नहीं अप्लाई कर, आई गॉट अ गुड रिजल्ट्स। मेरी आंखों के नीचे काफी ज्यादा डार्क सर्कल्स आ गया था, लेकिन अब मुझे बहुत हाइड्रेटेड फील होता है। मुझे पहले गड्ढे लगते थे कि आंखों के नीचे गड्ढे आ गए, लेकिन अब वो मेरी स्किन, मेरी अंडर आईज के नीचे बहुत ही अच्छे से हील हो रही है। तो मैंने सोचा कि जब ये चीज मुझे फायदा कर रही है तो वाई नॉट टू स्प्रेड दिस नॉलेज टू यू गाइज, क्योंकि आई सीरम के बारे में अभी हर किसी को नहीं पता। बस सुन तो लेते हैं यूट्यूबर्स की वीडियो देख के कि अच्छा उसने ऐसे लगाया, उसके सीरम में ऐसा है, वो ऐसा कर रही है तो हम भी ऐसा कर लें, लेकिन ये चीज जानना जरूरी है कि इसकी जरूरत क्या है। और इसको सबसे यूज करने का इसका तरीका है कि जब आप पूरा अपने फेस का केयर कर लें, पूरा सब कुछ कर लें, सबसे लास्ट में आप आई सीरम लगाएं। ये नहीं कि पहले आपने आई सीरम लगा लें उसके बाद कोई फेस क्रीम लगा रहे हो तो वो सब हट जाएगा। जब आप अपने पूरे फेस की केयर कर लें उसके बाद एक या दो बूंदे अपने हिसाब से आप लें और उससे अच्छे से जेंटली मसाज करें। अगर आप कहते हैं तो रुकिए मैं आपको करके दिखा देती हूँ। तो इसमें बेसिकली मुझे क्या सीरम, इसमें बेसिकली ड्रॉपर आता है तो आप लोगों के लिए इजी हो जाता है कि कितनी ड्रॉप्स आप लोगों को लेनी है। और मैं जो फिंगर्स यूज करती हूँ वो मैं अपनी ये दो मिडल फिंगर यूज करती हूँ। देखिए बहुत ही ज्यादा हैवी ड्रॉप ले ली है और मैं इसे कम से कम 2 से 3 मिनट तक अपनी आईज के नीचे और अपनी आई लिड्स पे भी। आप सोचते होंगे कि सिर्फ यहाँ, नहीं, आई लिड्स भी, कोई हार्म नहीं होता, हमें पूरे अपने एरिया को, पूरे ये सारा बहुत सॉफ्ट एरिया है, पूरे को हाइड्रेट करना जरूरी है। तो आप देखिए मैंने लिया और इनको अच्छे से मिक्स कर लिया और अब तो बस आंखों में ना जाए ये ध्यान रखते हुए हमें धीरे धीरे जेंटली मसाज करनी है अपनी अंडर आईज को। तो मैं अपनी आईज को ऐसे रोल अप कर लेती हूँ ऊपर की तरफ और पूरा प्रोडक्ट ऐसे सेमी सर्कल में लगा के मसाज करती हूँ 2 मिनट और फिर मैं उसी प्रोडक्ट को अपनी अंडर अपर लिड्स पे भी अप्लाई करती हूँ और बहुत ही जेंटली, क्योंकि बहुत ही जेंटली करना है, नहीं तो आपके लग जाएगी या कोई भी दिक्कत आ सकती है। इस चीज को बहुत ही जेंटली करना है, बस हल्का सा पैट करते रहिए ताकि जो प्रोडक्ट है वो अच्छे से आपके स्किन में ऑब्जर्व हो जाए और वो जैसे ही ड्राई होने लगे बस छोड़ दीजिए 2 से 3 मिनट, उससे ज्यादा नहीं, दैट्स इट। उसके बाद आप सो जाइए और इसे कंटिन्यूएशन में यूज करिए और आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे और काफी अच्छा मेकअप भी आएगा। अगर आप मेकअप यूज करते हैं और आपको बहुत पैची लगती है आंखों के पास, बहुत केकीनेस आ जाता है, तो वो इसका रीजन मेन यही है कि आपकी आईज का जो अंडर आईज है वो अच्छा हाइड्रेट नहीं हो पाता, स्किन सुकड़ जाती है और बहुत ही फिर वो मेकअप में प्रॉब्लम आती है। तो अगर आप मेकअप भी यूज कर रहे हो तो उससे पहले आई क्रीम या आई सीरम यूज कर लें, उसके बाद बेस मेकअप क्रिएट करें। सो या दिस इज ऑल अबाउट द आई सीरम। आई होप आप लोगों को ये काफी नॉलेजेबल लगा हो और आपको कुछ चीज समझ आई हो और आपके ये काम आया हो, और ऐसी ही वीडियोज मैं लेके आगे आऊंगी। और आप अगर जानना चाहते हैं और डेप्थ में और बेसिक चीजें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, थोड़ा सा प्यार मेरे ऊपर शेयर कर सकते हैं और लाइक शेयर या फिर कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको कैसा लग रहा है या फिर कैसी वीडियोस इन फ्यूचर चाहिए। और तब तक के लिए मैं जाती हूँ, अभी बहुत बोल लिया है, हाँ, तो मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।